नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कोले। मैं लॉन्ग टाइम कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अब आज मैं एक सैमसंग 26 इंच का एक एलसीडी टीवी है, इसका प्रॉब्लम क्या है आप अच्छा से देखिए, वॉच करिए। 0.5% रास्टर इज ओके, स्नो इज ओके एंड 0.5% एक्चुअल होता है। 0.5% इज वर्टिकली पिक्चर इज ओके एंड अनदर साइड मल्टी कलर वर्टिकली थिन लाइन। अब देखिए ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा, ये मैं पूरा लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसका साथ साथ मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। तो बहुत सारी फ्रेंड और मेरा जो सब्सक्राइबर है, मेरा जो व्यूअर्स है, वो मैं बहुत सारे फ़ोन किया था कुछ दिन पहले, सर मैं आप कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया, सर आप अच्छा है तो आप कैसे है। लेकिन अभी तक मैं जिंदा हूँ, ये मजाक का बात है, ठीक है। चलिए हद पर तो वो लॉकडाउन तो चलता है, वो भी क्या होगा मैं उसका पर कुछ नहीं जानता हूँ। और जो तूफान आया था उसका बाद सब कुछ परेशान हो गया। मैं नेट नहीं था, पावर नहीं था, इसमें काम भी कुछ नहीं हुआ था, बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए वो सब बात छोड़ दीजिए, अभी ये देख लीजिए, देखिए ये प्रॉब्लम कैसे मैं रिपेयर करूँगा। सैमसंग 26 इंच का एक एलसीडी है, इसको और क्या है ये तो मैं अभी सिंगल है, मेरा जो स्टूडेंट था वो अभी तक नहीं है। तो देखिए इसको मैं कैमरा भी ऑन करूंगा और सब कुछ मुझको भी करना पड़ेगा। देखिए ये सेट बहुत बढ़िया सेट है, ऐसा बहुत सारी सेट में मैं काम किया है, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं कभी नहीं किया। तो इसको मैं डिटेल्स दिखाऊंगा आपको, आप देखिए पहले जो इसका बेसिक वोल्टेज है वो तो आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ग्राउंड का सब कनेक्ट करता हूँ और देखिए मैं कोशिश करूँगा सब कुछ दिखाने के लिए, ठीक है। सॉरी डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट जो सप्लाई है वो भी प्रेजेंट है और एवरीडी जो है एवरीडी वोल्टेज, देखिए एवरीडी वोल्टेज इज परफेक्ट और 3.3 वोल्ट जो है वो भी परफेक्ट है, 3.3 वोल्ट। ए टी पी एस 65161 डिशी टू डिशी आई सी यूज़ किया है और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो है AS15S जो गामा आई सी है वही भी यूज़ किया है। 3.3 वोल्ट इज ओके और यहाँ पर 1.8 वोल्ट एक रेगुलेटर है, 1.8 वोल्ट इज ओके और यहाँ पर AVDD है। अब देखिए ये तो AVDD पहली देखा और क्या है, VGL भी है, देखिए VGL -6.138 VGL वोल्टेज ओके। तो और क्या देखेंगे, VGAH देखिए, VGHC जो है वो भी ओके है, लेकिन ये तो ग्रामा का फॉल्ट नहीं है, देख के बाद मालूम हो जाता है। आपको मालूम होगा, देखिए ये जो त्रिकोण है, पहले इसको त्रिकोण का नंबर देखिए, त्रिकोण का नंबर देखिए T260XW02VL01 1366×768 का पैनल है, 1 चैनल 8 बिट का पैनल है, ठीक है। तो इसका त्रिकोण का बहुत ही चेहरा जो बढ़िया है, त्रिकोण है, देखिए ये जो प्रोसेसर है, ये रैम है,
ऐसा जो तिकुन है ये बहुत अच्छा तिकुन होता है, बहुत लॉन्ग टाइम इसको चलता है। लेकिन ये फॉल्ट हुआ, मैं 2-3 दिन इसको देखा कुछ पता नहीं, आज इसको मैं फाइंडिंग किया ऑलरेडी। ये मैं सोचा था ये रिपेयर नहीं होगा, मैं इसको तिकोन चेंज करके देखूंगा, लेकिन अभी तक लॉकडाउन के पीरियड में तिकोन अवेलेबल नहीं है, कोलकाता जाने का बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं इसको ढूंढ रहा था कहाँ पर क्या फॉल्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, ये जो प्रोसेसर है ये हीट हो रहा है, ये जो रैम है ये भी थोड़ा सा हीट है, हीट है मीन्स इसको हीट फीलिंग आ रहा आएगा तो मालूम होता है इसको पावर आ रहा है, काम करता है। देखिए ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हो उसका वर्किंग होगा तो उसको जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो जनरेट होगा, ये इसका रूल्स है। तो चलिए इसको मैं कैसे सॉल्व किया, अब देखिए और एक बात मैं इसको डिटेल्स बताता हूँ। आपको मालूम होगा जो यहाँ पर जो एपीसी केबल है इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये मैं पूरा देखा, क्लीन करके देखा, न्यू कनेक्ट करके देखा, रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, सेम रिजल्ट है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है आपको मालूम होगा, देखिए वीडियो दोस्तों पूरा तक देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल में देखिए आपको मीटर के देखाऊंगा, क्रिस्टल का बात सुनने का बाद ही आपको मालूम होगा क्रिस्टल खराब हुआ होगा। ठीक है, आप देखते रहिए, देखिए यहाँ पर 1.659 और यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज है तब भी ऐसा प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपको मैं दिखाऊंगा, आप देखिए, आपको कैमरा का बहुत दिक्कत होता है, देख सकता है, देखिए मैं कोशिश करूंगा आपको, ऐसा रहेंगे तो आपको अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन फॉल्ट के बारे में मैं डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। देखिए देखिए ये जो पीएफ है यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये जो पीएफ है मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, ये इसको पावर ऑफ करता हूँ और मीटर को बाजार रेंज में दे रहा हूँ। देखिए सॉरी मैं कोशिश करूँगा, ये जो पीएफ है देखिए, ये पीएफ मीटर को बोल रहा है, बीप साउंड हो रहा है बाजार में, ये शॉर्ट हो गया, लेकिन अभी शॉर्ट पहले शॉर्ट नहीं था, वो मैं उसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद सही पिक्चर आ गया, लेकिन वो हीट जनरेट होने के बाद वो पूरा शॉर्ट हो गया। मैं इसको रिमूव कर दूंगा, आप देखते रहिए, मैं इसको रिमूव करता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप देखते रहिए, आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर पीएफ चेंज हो जाएगा, फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप देखते रहिए, दोस्तों मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़
मेरा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये पीएफ रिमूव कर दिया, देखिए मैं आपको देखाऊंगा, पूरा डिटेल्स देखाऊंगा, आप देखते रहिए, कोई बात नहीं। देखिए कौन सा पीएफ मैं रिमूव किया, आप देखिए, आप अच्छा से देखिए, ध्यान से देखिए कौन सा पीएफ है, एक बार देखिए, सी क्या नंबर है, सेवन वन जीरो सेवन हंड्रेड टेन, ठीक है। ये जो पीएफ है, ये पीएफ आप मान लीजिए ऐसा वो 10 पीएफ और 12 पीएफ और ऐसा कुछ पीएफ आप कनेक्ट कर सकता है, लेकिन वो रिमूव कर देंगे तो सिर्फ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप मेरा हिसाब से आपका पास कोई जो भी पीएफ है, 10 पीएफ का लो वैल्यू का पीएफ है, 10 पीएफ, 12 पीएफ और जो लो वैल्यू का जो पीएफ है, 22 पीएफ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर दिया, मैं इसको ऑन करके देखूंगा ये सेट चलता है कि नहीं। देखिए पावर कनेक्ट करता हूँ, देखिए देखिए दोस्तों आप देख सकता है सेट रेडी हो गया। ये तो लाइट का रिफ्लेक्शन है, छोड़ दीजिए, देखिए देखिए सेट रेडी हो गया, डिस्प्ले भी आ जाएगा, देखिए रेडी हुआ। तो दोस्तों आपका ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा टाइप जो फॉल्ट मेरे पास आएंगे जो मैं रिपेयर करूँगा उसको आप लोगों को साथ में शेयर करूँगा। ओके एवरीबॉडी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इस लॉकडाउन का टाइम में अच्छा रहेंगे, आपको आप केयरफुली रहना पड़ेगा। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू।